हेलो दोस्तों, तो आज आपका भाई लाया है आपके लिए प्रो 6028 टी, मतलब टी पर, जो कि पीले रंग में देख लो कितना सुंदर लग रहा है। बिग, बोल्ड, ब्यूटीफुल, क्या कहें, इस सब के लिए कोई शब्द नहीं है। देखो, आइसर की पावरफुल ट्रकों में से आता है, जिसके बारे में आज तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छी तरह एक चीज़ बताएगा। पहले आज आगे से देख लो इसको कैसा लग रहा है। इतना बड़ा आइसर का लोगो, प्रो 6028 की बैजिंग, ईयू टेक की बैजिंग और हेडलाइट्स इतनी बड़ी बड़ी, फॉग लैम्प दिए नहीं है, शायद इसकी ज़रूरत नहीं होगी, इस हिसाब से कंपनी ने दिए नहीं है। पर देखो आगे से लुक कैसी है, काफ़ी सुंदर लाइटें हैं, इंडिकेटर वगैरह सब हेलोजन में है। देखो गाइस, काफ़ी सुंदर। देखो नीचे से इतना मजबूत है, आगे कुछ ठुक गया तो वो ख़त्म है, इसमें कुछ नहीं होगा। लोहा ही लोहा भर रहा है इसमें, क्योंकि टीपर है तो इसको ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो साइड से लुक कुछ ऐसी, जब इसके इंजन बजाऊंगा आज, इसके इंजन के बारे में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। साइड के शीशे ऐसे लगा रखे हैं, अगर कोई आगे पीछे कहीं भी कोई भी होगा ना, सब दिख जाएगा, इतने अच्छी तरह से सब कुछ शीशे लोकेट किए। और 3 स्टेप में इसके ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। देखिए कैमरा पकड़ के हाथ ऊपर करके भी देखो, इसके छत तक नहीं पहुँचा जा सकता, छत तक क्या, इसके हैंडल तक ही पहुँचा जाता है, हाथ लंबा करके भी। देखो ज़्यादा लंबाई नहीं, 14 फुट की इसकी, ये टीपर का ट्रॉला है बस, जो टीपर कहते हैं आप जिसको, इसके टायर वायर रोकने के लिए, सपोर्ट के लिए। इसका साइलेंसर देखिए, ओ भाई साहब देखिए इसके साथ टायर देखिए कितने बड़े हैं, रिम्स के 20, भाई साहब 10 तो इसमें नट लग रहे हैं। टायर आसानी से खुलेगा भी नहीं, क्योंकि खुलना भी नहीं चाहिए, और ये कभी कभी खुलते हैं। इसका उठाने के लिए पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम, और इसकी टंकी साइड पीछे उस तरफ लग रही है, जिसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इंजन के बारे में बात कर ले तो आप इंजन देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि 260 HP की पावर रखता है, और ये इसका GVW मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट है 28,000 किलोग्राम, और डीजल BS6 है। तो इसकी देख लो, मैं आपको इसकी टंकी के बारे में बता दूँ, जो कि है 220 लीटर की, और ये साइड में दिख रहे हो ब्लू ढक्कन वाला है, एड ब्लू है, इसमें 33 लीटर का आता है एड ब्लू। देख लीजिए इसकी पूरी बॉडी, देख लीजिए पूरी लोहा लाट, कुछ भी मतलब बिल्कुल रोड़े पत्थर कुछ भी भर के ले जाओ इसमें। देखो एड ब्लू का, ये आपका ओनली एड ब्लू ही बनना, कभी कोई कुछ और भर दे, और आईसर का है तो आईसर का ही बनना, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और इनके बारे में हम आपको एक दिन वीडियो बना के सब कुछ बताएंगे, कि अगर आप आईसर का गिरते हो क्या फ़ायदा होगा, और आप दूसरी कंपनी का गिर देते हो ऐसे उठा के कहीं से भी, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, और नुकसान काफ़ी भारी होता है। पर आज हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं। देखो पीछे से कुछ देख लो, LED लाइट, बड़े बड़े मरघाट पीछे, इतना बड़ा आईसर, और बस देखने का, देखो देखो और कुछ नहीं है, क्या बताऊँ इसके बारे में। पीछे एक लाइट दी गई है, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि अंधेरों में ज़्यादा काम करते हैं रातों में, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं पर रेलवे बन रहा है, यहाँ पर इनका काफ़ी यूज होता है। डबल डिफरेंशियल है, क्योंकि इसके पीछे ही 8 8 टायर है, देखो जोड़ा, कितने बड़े टायर है। देखो गाइस, इंडिकेटर ट्रॉली में ही 3 दिए गए हैं, इसकी ट्रॉली जो है इतनी बड़ी, मेरे हिसाब से शायद 16 फिट की है, 14 फिट की है, बड़ी भी हो सकती है। इसकी कमान ही देखो कितनी बड़ी मजबूत, देख के ही आदमी को फीलिंग आ जाता है कि ये मजबूत है एक चीज़। और ये BS6 है, और इस ये देखिए रिम, क्योंकि आजकल सब चीज़ BS6 में आती है, ये BS6 में, ये सब इसका, भाई साहब पर जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है ये सब के। इसके एयर का सिस्टम है सारा, क्योंकि पूरी गाड़ी एयर पे पिछले। और ये है आपका, जिसको मैं आपको बता रहा था, हाइवा की तरफ से, हाइवा कंपनी है उसकी तरफ से, इसका पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम, जिससे कि पूरी ट्रॉली उठती है, और मैं ट्रॉली को उठा के भी दिखा सकता हूँ, दिखवाऊँगा आपको, और इसके सिस्टम को भी दिखाऊँगा, खटके क्या है क्या है। और इसमें इस टीपर में एक ख़ास बात है, इसमें AC भी है, जो कि आपके जो ड्राइवर है चलाएंगे गर्मी में इसको, उस उनको आराम रहे। इंजन देख लीजिए कितना पावरफुल है, और मैं आपको इसकी CC की बता दूं भाई साहब, 7.7 लीटर डीजल इंजन है, और देखो कितना खूबसूरत है। अगर ये छोटा सा होता तो मैं तो अपने घर ले जाता, पर ये काफ़ी बड़ा है। बस देखो शीशे इतने अच्छे से लगाए गए हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, पीछे तक सब दिखेगा, ऊपर का, आगे का, पीछे का, नीचे का, सब इतने शीशे देखो, आगे भी है एक, नीचे देखने के लिए कोई कभी नीचे हो। और अब मैं इसकी खिड़की खोल के दिखाता हूँ आपको,
तीन स्टेप में तो इस पर चढ़ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है। देखिए लोहा इतना मजबूत है, खिड़की खोलने में भी दिक्कत आ रही है, इतना हैवी है ये खिड़की। इसकी पॉकेट है छोटी सी, सब कुछ मैनुअल है इसका, लॉक वॉक खोलने के लिए। थोड़े टिंटेड से गिलास लग रहे हैं मेरे को इसके, पर कोई नहीं, अच्छे हैं, खूबसूरत। और इसकी सीट, सीट के बारे में आपको अच्छी तरह बताऊँ क्योंकि इसकी अच्छी स्पेशल चीज़ों में से एक सीट भी है जो कि काफ़ी स्पेशल है, बाउंसी। देखो अब पहले इसके इसके बताता हूँ, जो टीपर को उठाने के लिए है, जो ये पहले इस ये रेड कलर का है, इससे इसकी इसको ऑन करो और फिर जो बड़ा वाला लीवर है इसको मतलब ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा होता है, ये आपके हैंड ब्रेक। देखो गाइस काफ़ी मजबूत सिस्टम है सब कुछ, क्योंकि ये जो एयर हैंड ब्रेक है तो एयर में, और ये वो हाइड्रोलिक है, ऑयल है उस वो ऑयल्स पे चलता है हाइड्रोलिक से। देखिए ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है, जो लीवर है आगे वाला और जो ऊपर है हैंड ब्रेक है, और ऊपर चढ़ने के लिए भी कई जगह दिखे। सीट इसके लिए बात कर रहा था, देख कैसे नीचे हो गई, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके बारे में आपको अभी अंदर बैठ के बताता हूँ, पहले इसके अंदर की लुक देख लीजिए। ब्लू स्टोन में इसका सारा सिस्टम है, ये रहा वो सब चीज़, एक नज़र और बस, और ये सारा ब्लू स्टोन में सारा सिस्टम है इसका अंदर से, और कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है। सीट देखो, सीट मज़ा ही आ रहा है मेरे को तो। देखो इस तरह डिज़ाइन किया है कि ड्राइवर आराम से सब चीज़ कंट्रोल कर सके। ये इसका एसी का पॉइंट है, ये सब कूल, और ये सारे एसी जो कि आज ट्रकों में आता नहीं है पर इसमें है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। और इसके प्राइस की तो बात मैंने की नहीं, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पर ये दो सीटर है, देखो इसकी एक सीट उस तरह है, एक सीट पर मैं बैठा हूँ इसलिए दो टू सीटर है, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखो इसका रूम मिरर, इसकी एक ऊपर की पॉकेट और दो लाइटें जो कि काफ़ी ज़रूरी भी और सही है और दमदार भी है। देख लो गाइस ऊपर से कुछ ऐसा है, इसमें सामान आपको कम दिखा क्योंकि ये बिक चुका है और इसका मालिक इसका सामान ले गया है, बस ड्राइवर इसकी डिलीवरी के लिए आया। इसके गियर के बारे में बात कर लो, 9 स्पीड का गियर बॉक्स है इसमें से, ये सी देख रहे हो ना आप, इसमें है पावर, मतलब जब गाड़ी कहीं फंस जाए तो इसमें डालो और भगाए ले जाओ, बस इतनी पावर है इस सी में। इसको हनुमान गियर भी कहते हैं लोग, ड्राइवर इसकी। इस पॉकेट है, इसमें लाइट वगैरह आती है आपकी। ये इसके सारे कंट्रोल है, ABS ब्रेक के लिए जो बीच में दिख रहा है ऑन ऑफ, ये इसके टायर कंट्रोल करता है, फंस जाए तो इसको निकालने काफ़ी मदद करता है। ठीक है प्राइस मैं आपको वैसे बता दूंगा और ऐसे बता दूंगा, इसके वाइपर कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल डिस्क्रिप्शन में सारा प्राइस के बारे में गेर दूंगा। इस देखो इसकी चाबी, दो चाबी खिड़की और स्टेयरिंग की, और दो चाबी यूरिया की टंकी की और डीजल टंकी की, जिसको लगा के आपको मैं मीटर दिखा देता हूँ गाइस। देखो चलो प्राइस मैं आपको बता ही देता हूँ, इसका प्राइस है एक शोरूम 44 लाख से 53 लाख तक, और ये टॉप मॉडल है, AC वगैरह सब कुछ है इसमें, तो 53 वाला एक शोरूम प्राइस यही है इसका। और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो आपकी जगह के हिसाब से मैटर करेगा, आप जहाँ पर होगे उस हिसाब से ले गए। और इसका कुछ देख लो, मीटर ऐसा है, डिजिटल 4x3 की स्क्रीन, इसके मोड है पावर मोड, इको मोड, इसका आप माइलेज अच्छा निकाल सकते हैं। और माइलेज की बात कर लो तो इसकी जब माइलेज, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक है और इसका 6 सिलेंडर में इंजन है, तो 9 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जब भी ये 2 से 3 का ही एवरेज देगा, क्योंकि इसमें ताकत ज़्यादा है, तो आप एवरेज तो इस पर मांगना मत। और रही इसकी सीट की बात, मेरे को तो यही चाहिए, देखो कितनी मज़ेदार सीट है इसकी, देखो वो ऊपर हो गई बिल्कुल, देखो अब नीचे करके दिखाता हूँ, पूरे सारा सब इसमें एयर से चल रही है सीट पूरी। और मीटर के बारे में बात करूँ, डिजिटल तो नहीं है पर 3x4 की डिजिटल स्क्रीन है, और सारी चीज़ मिलेगी, और जो भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में और इसके बारे में दे दूँगा, और आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और AC है आपका, गर्मी है कि चला लेना, अभी तो ठंड हो रही है, ठंड दे लो ठीक है। और इसमें ड्राइवर आप ध्यान देना, भी आधार कार्ड पैन कार्ड, और पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, जब आएंगे तो देख ले देखने के लिए। तो राम राम भाई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थोड़ा सा हमसे प्यार दिखा दो, आपके लिए लगातार ढूंढना पड़ता है इसी देश पर, कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं आप, धन्यवाद।